अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे, मजे में होंगे, खुश होंगे। वेलकम करती हूँ आप सबको अपने चैनल पर। और सबसे पहले तो गुड मॉर्निंग। नाश्ता मैंने कर लिया है जल्दी जल्दी में, अभी सो रही थी मैं, क्योंकि मैं ये हमाद साहब है अहमद की छोटे भाई और ये मेरे पास आए हैं। अच्छा जी हमाद, अस्सलाम वालेकुम कर दो। अस्सलाम वालेकुम कर दो। चलें जी, सबको इसने अस्सलाम वालेकुम कह दिया। कल इसके मैंने दो बड़े भाई दिखाए थे, अहमद महमद जो यहाँ रहते हैं, सब पूछ रहे थे कि ये आपके भाई हैं। नहीं जी, मेरे भाई नहीं है, मेरा कोई भाई नहीं है, हम तीन बहन हैं सिर्फ। लेकिन ये जो मेरे छोटे छोटे कजन हैं, ये मेरे मामू के बेटे हैं, चार मामू के बेटे हैं, और ये लोग यही रह रहे हैं। इनको ऊपर वाला पोर्शन हम बनवा के देने लगे हैं ताकि ये अपनी स्टडीज वगैरह कर सके सब कुछ, तो इनको हम भाई ही बोलते हैं अपना, है ना। इनकी कोई बहन नहीं है, हमारा कोई भाई नहीं है। हमाद क्या खाया सुबह? नाश्ता कर लिया? रोटी? वाह जी वाह, रोटी खाई है। अच्छा जी, अम्मी यहाँ पे शेर खान को प्यार कर रही हैं। अम्मी कहती है इसको बुखार है अब। इसको अम्मी कहती है बुखार है, और शेर खान इतने प्यार से अम्मी के पास होता है जिसको। बस यहाँ पर मैं नाश्ता वगैरह कर रही हूँ और साथ साथ मैं फ्रेश वगैरह होने लगी थी, क्योंकि नवीद की कॉल आई थी कि अब्बू को डिस्चार्ज कर दिया है, चले जी अब घर चलते हैं। और बस हम लोग घर जाने लगे थे तो पहले मैं फ्रेश वगैरह होने लगी थी। ये अम्मी और शेर खान का प्यार है, और शेर खान जो है ना वो ज़्यादा बुशरा के साथ अटैच है, बुशरा सिस्टर जो है उनके साथ अटैच है, उसके साथ ही बैठा रहता है, उसके साथ लेटा रहता है, बाकी भी सबसे है लेकिन बुशरा से बहुत ज़्यादा अटैच है। देख माशाल्लाह जी, ये है अहमद वगैरह का चौथा भाई, बहुत छोटू शाइश का नाम है उस्मान। तो ये चार भाई हैं माशाल्लाह से, बहुत क्यूट हैं। वो दोनों पढ़ने गए हैं, अहमद तो पहले से ही रहता था, फिर महमद भी आ गया था, अब दोनों को पढ़ रहे हैं वो माशाल्लाह से, मेरी प्रेप क्लास में दोनों। और ये अभी छोटे हैं दोनों, ये भी इंशाल्लाह पढ़ना शुरू हो जाएंगे। शेर खान, शेर खान। अच्छा जी, पहले भी मैंने आपको दिखाया है कि मेरी मामी के पास बहुत हुनर है, अहमद वगैरह की जो अम्मी है। तो ये देखे, इसको इग्नोर कीजिएगा आवाज़ को। अच्छा, तो माशाल्लाह से कितना बारीक काम ये कर रही हैं, ये देखे ये काम चल रहा है। बाहर इसने जो अपनी करना, तो ये देखे जी, ये पता नहीं किसका बना रही है, कितना बना रही है, मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन बड़ा जबरदस्त बना रही है। अच्छा भाई मैं जा रही हूँ, ठीक है? अब आप मेरे घर आओगे? कब आओगे? कब आओगे मेरे घर? सैड सैड हुआ है ना मुझे। अभी सुबह मुझे कह रहा था, मैंने चप्पल जूता पहना था, मैंने कहा मैं तो तुम जा रही हूँ, नहीं आप ही चप्पल नहीं पहन के जाना, नया वाला पहन के जाओ। फिर से मैंने नया जूता ला के दिया, इतना सैड हुआ है। अभी तो वो दोनों बड़े, वो स्कूल है, खतीजा स्कूल है, वो आएंगे तो और ज़्यादा सैड होंगे, उनको सैड मत हो, ठीक है? मैं दोबारा चक्कर लगाऊंगी। आना आप मेरे घर, ठीक है? आओगे? क्या लेके आओगे मेरे लिए? इधर देखो ना, क्या लेके आओगे, क्या लेके आओगे? अभी जिसको कुछ समझ नहीं आ रही, शरीर खत्म है। मैं माँ बेटी का प्यार तो सबसे अलग होता है। जब भी मैं घर आने लगती हूँ, अम्मी बहुत ज़्यादा उदास हो जाती हैं, इतनी उदास होती हैं कि मुझे देख के फिर रोना आता है। उनके सामने तो मैं नहीं रोती, लेकिन जब गाड़ी में बैठ जाती हूँ तो फिर मैं रोती हूँ। बस आप सब दुआ कीजिएगा, मेरी अम्मी बीमार भी बहुत रहती हैं, अल्लाह ताला उनको सेहत दे, तंदरुस्ती दे और लंबी सारी उम्र दे हम बहनों के लिए। जब तक हमारे माँ बाप हैं, हम हमारे लिए सब कुछ है। बस अल्लाह ताला हर किसी के माँ बाप को लंबी उम्र अता करे। मम्मा को समझाती हूँ मैं कि परेशान ना हुआ करें, अब्बू काफ़ी खुश होते हैं, जाहिर है वो मर्दों का दिल थोड़ा सा मजबूत होता है। और बस अब हम लोग घर जाने लगे हैं। हाँ, अबू और नवीद साहब आगे बैठे थे और मैं पीछे बैठी हूँ। रास्ते में हमारे साथ एक बहुत बड़ा वाकया भी हुआ है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह नुकसान होने से बच गया है। आगे आप लोगों को दिखा दूँ कि हमारे साथ हुआ क्या है। बस इस तरह हो जाता है नसीब में जो लिखा होता है, लेकिन जो भी है, सब जो भी होता है सब बेहतरी के लिए होता है। पूरा सफ़र हमने तय कर लिया, जैसे ही हम लोग यस्मान के करीब पहुंचे हैं हमारा टायर ब्लास्ट हो गया, टायर जो है ना वो स्पीड ब्लास्ट हो गया, फट गया, मतलब अचानक से मैंने कर वरना अगर ना रुकते क्या होता है। अल्लाह का शुक्र है, बस यहाँ पर हमारी गाड़ी का टायर आवाज आ रही थी शुरू से, हमने कहा स्पीड आहिस्ता रखते थे, मैंने कहा शायद हमने कहा वैसे ही हो रही है, तो फिर अचानक ही टायर चेंज करने वाला, दूसरा टायर जो है ना वो चेंज करना था इसके साथ। यहाँ पे हम रुके, शुक्र है पेंचर वाली शॉप के पास, पैदल चल के आगे जाके दुकान थी, शॉप थी, और वहां से नवीद उनको बुला के लाए थे। उन्होंने
शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमें चारपाई भी छाँव में मिल गई, और उन्होंने जो शॉप वाले थे उन्होंने लगा के दी थी। मैं और अबू चारपाई बैठ रहे, नवीद यहाँ पर गाड़ी चेक कर रहे हैं कि क्या मसला बना है क्या नहीं। अच्छा मुझे ऐसा लगा ये खुद ही टायर उतारने लग जाएंगे, लेकिन नहीं नहीं खुद चेक। अल्हम्दुलिल्लाह से जी घर में आ चुकी हूँ और सब बिल्कुल ठीक है, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। और फिर से वही रूटीन, वही काम काज, वही सब कुछ, और काफ़ी मज़ा भी आया। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अबू की तबीयत भी अब ठीक है, बस उन्होंने परहेज़ का बताया है और कुछ मेडिसिन दी हैं, उन्होंने कहा है ये आपने रेगुलर खानी है और परहेज़ बहुत करना है। तो उनकी मर्जी है, उनको कहते थे हम सब बहुत है कि परहेज़ करें परहेज़ करें, ज़िंदगी एक बार मिलती है, सेहत है तो सब कुछ है, कहते हैं ना जान है तो जहान है। सबसे पहले अपनी सेहत का ख्याल रखें, अपना ख्याल रखें, तभी आप सबका ख्याल रख सकते हैं, सारे काम कर सकते हैं। तो बस अल्हम्दुलिल्लाह से अब सारी रूटीन मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ। और मैं आज कमेंट्स पढ़ रही थी, मेरी एक बहन कह रही थी कि आप ही और जो जेंट्स के ड्रेसेस होते हैं कॉटन के, उनको कलर लगाना सिखाएं। तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह कल की वीडियो में या शायद आज की वीडियो में ज़रूर शेयर करूँगी। आज तो मैं थकी हुई हूँ, तो कल की वीडियो में आप लोग से ज़रूर शेयर करूँगी कि किस तरह से हम घर में कपड़ों को कलर वगैरह लगा सकते हैं। तो आते ही मुझे पता चला कि आंटी के दांत में काफ़ी दर्द है और उन्होंने सुबह से कुछ नहीं खाया, तो उनके लिए बनाने लगी खिचड़ी, बस नमक डाल के हल्की सी ताकि कुछ ना कुछ उनके पेट में लग जाए। ये बर्तन भी मैं चेंज कर लूँगी, टेंशन ना लीजिएगा आप लोग, काफ़ी सारे लोग कह रहे थे कि इसको चेंज करें। ठीक है जी, घर से आते ही फ़ौरन नवीद फ्रेश हो गए हैं, तैयार हो गए हैं, चेंज वगैरह भी कर लिया है। और आप लोगों को मैंने खास साथ एक और चीज़ भी मैं दिखाती जाऊँ, ये देखें जी, ये गिफ्ट आते हुए मुझे मामा ने दिए, ये उन्होंने हाथ से बनवाया है तकिया, इसके साथ एक और भी था लेकिन वो मिल नहीं रहा फ़िलहाल। मैंने कहा चलें जो मिल गया है वो मुझे दे दें, तो आते हुए मामा ने कहा लेती जाओ फ़िलहाल, बाकी जो मिल गया दूसरा तो फिर मैं आपको दे जाऊँगी। और आज इसकी भी डस्टिंग करने वाली पड़ी है क्योंकि मैं नहीं थी इधर दो दिन, तो थोड़ा सा ये डस्ट लग रही है इस पर। तो फ्री होके करते हैं फिलहाल, तो किचन के काम ही बहुत हैं। अच्छा जी, साथ में मैंने दाल रखी थी वो भी थोड़ी सी गर्म कर ली है, फ्राई पैन का नाम भी ना कहिएगा, दोनों चीज़ें ही मैं अब चेंज कर लूँगी अपनी। ठीक है जी, तो इसका कुछ ना कहिएगा, इसमें ये वाले चम्मच मार मार के ना इसलिए इनकी शक्लें ख़राब हो पड़ी हैं। बस जी अब आंटी को देते हैं, और मुझे भी बहुत भूख लग रही है, ऐसी आ गई थी वहाँ से मैं मामा घर से, मामा ने खाना खा के जो मैंने कहा नहीं मामा घर जा कर खाऊँगी, तो बस थोड़ी सी आंटी को देती हूँ, थोड़ी सी मैं लेती हूँ, और बस उसके बाद खाना वगैरह बनाते हैं। अच्छा जी, आंटी और मैं अब खाने लगे हैं राइस, दाल आंटी को भी मैंने थोड़ी सी डाल दी है, मैंने भी दाल बहुत मज़े की आंटी ने बना के रखी है। आंटी मेरे बगैर बोर हो गई हैं, आंटी आंटी बड़ी बोर हुई हैं रात को, आंटी के दांत में काफ़ी पेन था और दांत बहुत है आंटी के, पता नहीं आंटी कहती मुझे तो ये भी नहीं खाए जाएंगे, मैंने कहा नहीं किसी तरह खाएं तो सही है ना, फिर बीपी हाई हो जाए, नहीं चलें ये खाएं आंटी ये अंदर चले जाएगा। हानिया आप कैसी हो? ठीक हो? आज फिर स्कूल से लेट हो गई थी। साथ साथ मैं आप लोगों के आज थोड़ी सी रेसिपी, दो चीज़ों की रेसिपी शेयर करती हूँ, लेकिन कुछ सेकंड्स ही होगी, आप लोगों ने बस फोकस रखना है। सबसे पहले शामी कबाब की शेयर करती हूँ, ये मैंने चिकन ले लिया है बोनलेस चिकन, थोड़ा सा प्याज ले लिया है, थोड़ा सा टमाटर लहसुन ले लिए और दो तीन हरी मिर्चें ले लिए हैं, एक लेमन ले लिया है, और साथ में चने की दाल मैंने ले ली है हसबे ज़रूरत, उसको मैंने बॉईल होने रख दिया है, जब ये बॉईल हो जाएगी और पानी आधा बच जाएगा तब मैं चिकन और सारी ये जो चीज़ें कट की हुई हैं ये मैं ऐड कर दूँगी, और खुश्क मसालों में से सिर्फ नमक मिर्च हल्दी और ये जो है ना ज़ीरा और काली मिर्च ये मैं ऐड कर दूँगी। जब पानी वगैरह ड्राई हो जाएगा फिर हम उस मसाले को कूट लेंगे। मैं ज़्यादा मसाले यूज़ नहीं करती हमेशा, हर वीडियो में आप मेरी चेक कीजिएगा, सिर्फ यही तीन मसाले मैं यूज़ करती हूँ। और शामी कबाब बना के रखिए फ्रिज में आप लोग। अच्छा जी, आते ही मैं अपने किचन में आ गई हूँ और किचन के काम मैंने स्टार्ट कर दिए हैं। आंटी बहुत ज़्यादा उदास थी, कहती आयशा तुम्हारे बगैर तो दिल ही नहीं लगता, मैंने कहा चलें जी अगली बार जब मैं जाऊँगी तो आपको साथ लेके जाऊँगी, और अब हम रहेंगे तो साथ ही वहाँ जाकर रहेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। तो आंटी बहुत ज़्यादा उदास थी, आंटी के दांत में बहुत ज़्यादा दर्द था, तो उन्होंने कुछ भी नहीं खाया था सुबह का, फिर उनको मैंने वाइट राइस बना के दिए, थोड़े से खिचड़ी टाइप थोड़े से इस तरह ना बना के, और वो हमने खा लिए। अब मैं बना रही हूँ साथ में शामी कबाब ताकि मैं फ्रिज में स्टोर करके रख सकूँ, और साथ ही साथ मैं बना रही हूँ सैंडविचेस का मिक्सचर, जो चिकन सैंडविच होते हैं ना उनका मिक्सचर बना के मैं रखने लगी, वो भी जब इंसान का दिल करता है भूख लगती है तो बंदा खा लेता है, और जैसे कि
आप लोग देखते हैं किसी घर में बच्चे हैं छोटे छोटे, तो आप लोग ये वाला मिक्सचर बना के फ्रिज में रख सकते हैं, और जब बच्चे स्कूल जाने लगे तो उनको सैंडविच बना के रोज की रूटीन पे आप बना के गर्म करके उनको लंच में भी साथ दे सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है, ऐसे ही जैसे शामी कबाब बना रहे हो ये बना के रख सकते हैं, ये आप कभी कबाब ब्रेड में लगा के दे सकते हैं, क्योंकि बच्चों को भी अगर रोज एक ही चीज़ बना के खिलाई जाए तो बोर हो जाते हैं बच्चे। बच्चे भी कहते हैं कि हमें नई नई चीज़ें बना के खिलाएं, तो मैं ऐसी रेसिपीज़ आप लोगों के साथ थोड़ी थोड़ी करके शेयर करती रहूँगी, बड़े भी जो खा सके बच्चे भी खा सके। बस ख्याल रखने के जो बच्चों के लिए बनाए उनके लिए स्पाइसेस कम रखिएगा, लेकिन मैं कहती हूँ कि स्पाइसेस का आदि होना चाहिए। जैसे तेज मिर्च अक्सर बच्चे होते हैं वो नहीं खाते हैं, हमारे अहमद है जो छोटे मेरे कज़न हैं भाई हैं, तो छोटे सा बच्चा है वो, उसको शुरू से मिर्च खाने की आदत नहीं है, तो अब थोड़ी सी भी सालन में ना बंदा सालन नहीं खाता। तो ये मैं कहती हूँ बच्चों को आदि करना चाहिए, हर चीज़ का आदि करना चाहिए, थोड़े से स्पाइसेस भी खाने चाहिए, फीकी चीज़ें भी खाएं, मीठी भी खाएं, सारी खानी चाहिए, एक चीज़ पे स्टक नहीं होना चाहिए इंसान को। तो इसकी शामी कबाब के मैंने आपको चीज़ें बता दी हैं, आप लोगों ने सारा कुछ डाल के ना उसको खुश कर लेना है, और फिर कुंडी सोटा जो होता है मैं लेके आ गई हूँ, इसमें आप लोगों ने कूट के ना शामियाँ बना लेनी है। मैंने कहा लंबा चौड़ा मैं क्या आप लोगों को दिखाऊंगी, मैं खुश कर रही हूँ, ये वो सारा मसाले आप लोगों ने मैंने बता दिए। अब मैं बनाने लगी हूँ सैंडविचेस, तो उसका भी मैं आप लोगों को इंग्रेडिएंट्स दिखा देती हूँ, और ज़ाहिर है बना तो सभी लेते हैं लेकिन फिर भी थोड़ा सा मैं शेयर कर दूंगी किस तरह से बना के आप लोगों ने प्लीज करना है। तो चलेंगे अपने शामी कबाब का मिक्सचर जो है उसका पानी भी खुश्क होने वाला है, ठीक है खुश्क हो जाए इसके अच्छे से, मैं पानी खुश्क कर लूँगी, पानी नहीं होना चाहिए फिर शामी अच्छे से नहीं बनेगी। अच्छा जी अब बनाने लगे हम सैंडविचेस, तो सैंडविचेस के लिए आप लोगों ने बोनलेस चिकन को इस तरह छोटे छोटे पीसेज में कट कर लेना है, और जो लोग चिकन नहीं खाते वो इसकी जगह पे आलू ले सकते हैं, ठीक है जी। उसके बाद एक छोटा सा टमाटर मैंने लिया उसको छोटे छोटे पीसेज में कट कर लिए, थोड़ा सा प्याज छोटे छोटे पीसेज में, थोड़ा सा लहसुन ले लिया, थोड़ी सी हरी मिर्चें ले ली हैं, और मसाले बस इसमें नमक मिर्च और हल्दी डालूंगी, बस इसके अलावा कुछ नहीं। और लास्ट में इसमें केचप मिक्स कर दूंगी, अगर आप लोगों को मायोनीज पड़ा तो वो भी आप मिक्स कर सकते हैं, मेरे पास अवेलेबल नहीं है इसलिए मैं सिर्फ ये रखूँ। ये है जी विनेगर, सोया सॉस और चिली सॉस, ये मैं डाल दूंगी इस मसाले में सैंडविचेस वाले से, थोड़े चटपटे से बनेंगे। और ये लेमन मैंने इसलिए रखा है क्योंकि जब पानी थोड़ा सा बच जाए ना तो आधा लेमन इसमें स्क्वीज कर देना है। अच्छा जी सब कुछ मैंने डाल लिया है, प्याज टमाटर हरी मिर्चें लहसुन और नमक मिर्च हल्दी सोया सॉस चिली सॉस विनेगर, अब इसको हल्का सा मसाला बना के बस चिकन डाल के फ्राई कर दूंगी, रेडी हमारा सैंडविचेस का मसाला। इस तरह से जी मैंने सारा मसाला ड्राई कर लिया है शामी के लिए, शामी कबाब के लिए, और अब इसको मैं कुंडी सोटो में पीस लूँगी और फिर शामियों की शेप देके इनको फ्रिज में रख दूँगी। और ये हमारा सैंडविचेस का मसाला है, भुनाई मैंने कर लिया, हल्का सा मैंने पानी डाला ताकि चिकन गल जाए, और फिर लास्ट में हम केचप डालेंगे और रेडी। हाँ जी जी शाम का टाइम है और मैं और आप किसी में जा रहे हैं पॉलर, वहाँ में थोड़ा सा काम है, मतलब अपना काम नहीं है वैसे ही कोई और काम है, वो मैं आप लोगों को बाद में बताऊँगी क्या काम है। और हम जाने लगे हैं पॉलर, शाम का टाइम है, सबको खाना वगैरह सर्व कर दिया, सारे काम काज करके हो चुके हैं, तो चलते हैं। सबसे पहले शुक्र है टाइम मिल गया हमें बाहर निकलने का, वरना सारा दिन इतनी बिजी रूटीन होती है कि टाइम ही नहीं मिलता बंदा जाए। अल्हम्दुलिल्लाह से पॉलर से होके मैं आ गई हूँ, एक छोटा सा काम था और जो मैंने स्टार्ट किया है इंशाल्लाह आप लोगों से मैं जल्द शेयर करूँगी किसी वीडियो में, गुड न्यूज़ है छोटी सी। और क्योंकि एक छोटा सा मैंने काम का स्टार्ट लिया है तो इंशाल्लाह आप लोगों से मैं शेयर करूँगी। आप लोग आते ही मैंने सारी अपनी चीज़ें वगैरह उठा ली हैं, इस बैग में मैं थोड़ा सा अपने चीज़ें लेके गई थी अम्मी के घर, मतलब एक ड्रेस डाल दिया, मेकअप डाल लिया, और वो इतना भारी हो गया कि इसकी ये जो है ना चेन ये निकल गई। मैं दिखाती हूँ, उस दिन मैं बता रही थी ना कि मेरे साथ नुकसान हो गया, ऐसे एक ही टाइम पे ये चारों चेनें निकल गई और बैग नीचे धड़ाम हुआ। ये निकली हैं, ये अंदर डलेंगी, ये शॉप वाले से डलवाऊँगी। देखिए नया बैग था लेकिन मेरी गलती है, मेरा कसूर है, मैंने इसमें ना सामान बहुत ज़्यादा डाल दिया था, पता नहीं क्यों मेरी अक्ल क्यों नहीं काम की। और ये मेकअप बस ये इसमें भी है कुछ और ये भी है, तो ये सारा मैं सेट करूँगी। अब टोकरी मैंने निकाली क्योंकि ऐसे ही मैं ड्रेसिंग टेबल के ऊपर जब मेकअप रखती हूँ ना तो निशान पड़ रहे हैं उस पर, और दराज़ों में रखते हो तो बार बार दराज़े खोलना बंद करना खोलना मुझे बहुत जहर लगती हैं। तो बस मैं क्या करूँगी कि होंगी ना वो मैं टोकरी में रख के ना सामने रख देती हूँ, बाकी सामान मैं मेकअप मेन मेकअप इसमें रख लेती हूँ, और जो ब्लीच वगैरह होगी जैसे ये चीज़ होगी वो फिर मैं दराज में रख देती हूँ क्योंकि वो तो फिर बंदे ने 15 दिन बाद महीने बाद ही ओपन करनी होती हैं, तो इसलिए मैं सारा सामान निकाल के बैठी हूँ। एक तो सर में बड़ा दर्द हो रहा है मेरे आते ही, और जो आप लोगों को दिखाती हूँ
आते हुए मुझे मम्मा ने क्या गिफ्ट किया, एक सेकंड, ये देखिए, ये मेरी मम्मा ने मेरे लिए लेके रखा था और आते हुए मेरी मम्मा ने मुझे गिफ्ट किया। ये बहुत प्यारी ज्वेलरी है, मैं जब भी जाती हूँ मम्मा मुझे कोई ना कोई चीज़ गिफ्ट करती हैं। वो जो आपको मैंने पिलो कवर्स दिखाए हैं पिलो, वो भी मम्मा ने मेरे लिए लेके रखे हुए थे। दो थे, अभी एक मिल नहीं रहा था, बच्चों ने इधर उधर कर लिया, तो जब दोबारा जाऊँगी तो वो ढूंढ के रखेंगी। और ये ज्वेलरी सेट मेरे लिए लेके रखा हुआ था, बहुत प्यारा है, बहुत बहुत ज़्यादा। अब सैटरडे को एक दावत पर जाना है तो उसकी भी शॉपिंग करनी है। ये देखिए यहाँ से निकल गया, शॉपर में बांध के रखा था, असल में ये छोटी सी डिब्बी में था, वहाँ से निकाल के मैंने इसे ना एयर टाइट शॉपर में डाल दी और ये टेढ़ा मेढ़ा हुआ तो ये निकल गया। चलें खैर है, कोई बात नहीं, मैं इसको दोबारा लगाती हूँ। तो सैटरडे को मैं दावत पे जाना है, फिर मैं रेडी होंगी, ड्रेस भी शेयर करूँगी कौन सा पहन रही हूँ। और मेरा इरादा ये है कि ज्वेलरी मैं ये वाली पहनूँ, क्योंकि लाइट सी और भी हैं, देखूँगी जो अच्छी लगेगी, लेकिन ये हर ड्रेस के साथ चल जाती है। चलिए ठीक है, ये थी आज की वीडियो, आई होप आप लोगों को पसंद आएगी। अगर पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।